अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज क्वेटा के अंदर एक ऐसी जगह पे हूँ मैं मौजूद है, जिस जगह के बारे सुनने में ये आया है कि ये जगह एक पीर साहब थे काफ़ी हज़ारों साल पहले, और बाज़ लोगों ने इसके बारे ये भी खबर दी है कि लोग इसके बारे झूठ बोलते हैं कि ये पीर यहाँ पे था। और उसके बारे सुनने में ये आया है कि ये पीर यहाँ पे था, लोग इसके पास आते थे और ये पीर अचानक यहाँ पे गायब हो गया। अब इसका नाम है पीर गैब शाह, और यहाँ से लोग दूर दूर से क्वेटा से और ये सिब्बी वगैरह से या जो भी बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ से लोग आते हैं इस जगह सैर करने के लिए। और कुछ लोग आते हैं जिनके अकीदे ऐसे हैं जिन्होंने ना कुरान को फॉलो किया ना हदीस को फॉलो किया, दीन से दूर हैं, और वो लोग यहाँ से और सुनी सुनाई बात पे यहाँ पे लोग आ कर के अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। ये वो पानी है और इस तालाब के ये पहाड़ों के ऊपर आप पीछे देख रहे हैं, ये ऊपर से पहाड़ सरसब्ज है और इसके ऊपर से ये सारे चश्मे जारी हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं। और ये जो तालाब आप देख रहे हैं, इस तालाब के बारे सुनने में ये आया है, मेरे भाई साथ रब नवाज़ पुलिस एहलकार साहब है, वो बात कर रहे हैं कि इस तालाब में से मछलियाँ हैं और जो इस मछली को पकड़ के खाएगा, पका के खाएगा, तो वो मछली उसके पेट से साबत निकलेगी। अल्लाह अकबर। जब रब नवाज़ भाई ने मुझे ये बात बतलाई तो बहुत मैं हैरान हुआ इस बात पे, भाई मछली खाई जिंदा जाएगी और पेट से मछली खाई जाएगी पका के, और पेट से निकलेगी साबत मछली, चबा के खाई जाएगी। यह इस पीर साहब की करामत है। अब आप खुद सोच लें इसको मानने पर। आप इसको मानना चाहते हैं। बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है जगह। तो बहरहाल ये जहाँ पे जो लोगों के अकीदे ख़राब हो रहे हैं ये बात गलत है, और ये अल्लाह की कुदरत है, मेरे रब के निज़ाम है जो आपके देखने में आ रहे हैं। अभी ये रब नवाज़ भाई साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये पुलिस एहलकार साहब हैं, इनका यही कहना है कि ये लोग यहाँ से मछलियाँ, ये मछलियाँ मुझे नज़र भी आ रही हैं आपको, शायद कैमरे में अब मैं दिखा नहीं सकता हूँ, छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो जहाँ से लोग पकड़ते हैं। और ये देखें मंजर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ऊपर से अल्लाह का कुदरत है, ऊपर से चश्मे पहाड़ों से जा रहे हैं, पानी साफ़ है, पीने वाला है, खूबसूरती है।